सबसे पहले तो जो भी ये ब्लॉग दिख रहा है उन सभी पर जयदेव नारायण जी का आशीर्वाद बना रहे, यही हम दिल से कामना करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आज है जयदेव नारायण खड़ी मलाग का जो अवधारणा है, तो फ्रेंड पूरे ब्लॉग को देखिए, पूरा मज़ा आएगा आपको और जयदेव नारायण का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो फ्रेंड ब्लॉग को औरों को भी शेयर करें ताकि जो कोई नहीं आ सका किसी कारण, उन्हें ये पूरा देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो पूरा ब्लॉग देखिए। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो इसे देख सकते हैं आज आप, ये अपने छोटे हैं आज साथ में चला हुआ। आज ले हम अपने जो मेन घर गृहस्थी के मालिक जयदेव नारायण कुलज उसके वहाँ पर, क्योंकि आज काय का है हमारे यहाँ, तो देवता जी निकलते हैं तो सभी को दर्शन करवाएंगे आज। तो पीछे देख सकते हैं सारी गैंग चली है अपनी, वो पीछे देख। तो ऊपर जाके दिखाएंगे आपको, और अभी चले हैं त्रमेर के सामने, बिल्कुल सामने देख सकते हैं पीछे त्रमेर गांव, तो इसके सामने ही चले हुए। और आगे का कुछ इस तरह का रास्ता, ये उस्ताद की टोपी खुल गई आज और यहाँ बंदे आगे चले हुए। तो चलिए आगे, थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं आपको। त्रमेर गांव है, इसके सामने चले हुए देख सकते हैं आप। ये BSNL का टावर लगा है एकमात्र सारा। पीछे देखिए धुंध को कितनी ज़बरदस्त पड़ी हुई है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ रेस्ट की हुई है। तो नीचे का व्यू देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये त्रमेर गांव, सामने से कुछ त्रमेर गांव इस तरह से दिखेगा। ये लोहारडी और त्रमेर को कनेक्ट करने वाला पुल, और ये लोहारडी मार्केट। ये अंदरली मला सामने देख सकते हैं, इसके सामने ऑपोजिट है। और ये देख सकते हैं नीचे से, अपनी मन्नतों के हिसाब से लोग अपनी अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए ला रहे हैं। तो ये खड़ी मलाह में पहुंच चुके हैं हम। ये चौक है यहाँ का, यहाँ से ही देवता ऊपर आएंगे अभी हमारे। और ये ऊपर देख सकते हैं सा बोर्ड, और ये बोर्ड है जो भी चेतावनी है इसके ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। तो देवभूमि है हमारी, तो इसका पालन करना चाहिए हमें। ये देख सकते हैं लेडीज एक साइड खड़ी होगी और जेंट्स एक साइड खड़े होंगे, ये हमारे बड़े देव की आस्था है। में चले को खड़े को बच्चे, ये हमारे मेन गलत आ रहा बल ये का मेन का ऊपर लोकेशन बताएंगे आपको यहाँ पर खेलोगे। ये देख सकते हैं ये मेन सा है जहाँ पर देवता खेलोगी,
ये ऊपर तक आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा आपको। ये पूरा व्यू देखेंगे आप 360 डिग्री। ये एक साइड लेडीजें खड़ी होगी और एक साइड जेंट्स खड़े होंगे। ये सा है यहाँ का, ये पुराना सा था, आपने पहले की वीडियो देखी होगी। तो ये नया बना हुआ है। देखेंगे तो हमारे कुलज का कुछ मंदिर के निर्माण इस तरह से हो रहा है। अभी आधा ही निर्माण हुआ है, तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती से बनाया हुआ है। ये जो जय देव नारायण खड़ी मला लिखा हुआ है, यहाँ पर जो डोनेशन दी गई है उनके नाम लिखे हुए हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा दानी सज्जनों ने यहाँ पर डोनेशन दी हुई है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से ही है, बहुत ही खूबसूरत व्यू। और ये दो पुराने हैं जो बैठने के लिए और देवता जी के बनाए हैं, और ये एक नया। ये एंट्रेंस है यहाँ ऊपर जाने के लिए। तो ये सामने का और ऊपर का व्यू देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत। ये यहाँ पर देवता जी को रखा जाएगा, तो देख सकते हैं ये देख सकते हैं ऊपर की साइड जेंट्स बैठे हुए हैं। ये पूरा जेंट्स का इलाका है और यहाँ पूरी लेडीजें खड़ी होगी। जब भी खेल होगी तो एक दूसरे में आप एक दूसरे के साथ खड़े हो क्या नहीं खड़े हो सकते। ये मेन हमारे नारायण देव की एक पहले की जो कहते हैं कि आस्था ही कह सकते हैं आप, उस हिसाब से इकट्ठे नहीं हो सकते, प्रथा चली हुई, तो अलग अलग ही खड़े होना पड़ेगा। देख सकते हैं आप आस्था के हिसाब से ये आए हुए यहाँ के लिए। तो देख सकते हैं सभी को यहाँ पर घास चराया जा रहा है फिलहाल। ये अगर आपने नीचे से देखा होगा तो ये देवदार बहुत ही बड़ा है। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे हिमाचल में जितने भी देवी देवता हैं वहाँ पर बड़े बड़े देवदार तो हमेशा ही है। ये पता नहीं क्या आस्था है, इसके बारे में तो मुझे भी पूरी तरह से ज्ञान करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपके साथ इसे शेयर करूँगा। तो ये देख सकते हैं हमारे उस्ताद देख रहे हैं कि कितना बड़ा दियार है। फिल्म बनानी दूसरी घर से आ रहे बंदे थके आ रहे फिल्म बनाते। ये बंदा आना नहीं चाहता था, फिर क्यों आया भाई? देखते हैं चहल पहल बढ़ रही है नीचे से ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि देवता भी यहाँ पर जस्ट ही हमारे सामने होंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारे कुलज देव श्री नारायण जी यहाँ पर आएंगे। सभी लोग यहाँ पर ऊपर आ रहे हैं क्योंकि यहीं पर खेल होगी, जो भी होगी मेन खेल। और ये हमारा सामने का पूरा मंदिर बना हुआ है, नया मंदिर बना हुआ है, अभी तक काम ही चला हुआ है, पूरा नहीं बना हुआ है, लेकिन हमारे पीछे भी काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है क्योंकि यहाँ से ऊपर तक अब जेंट्स सारे ही बैठे हुए होंगे। ये उस्ताद देख सकते हैं, स्माइल देखिए 24 इंच की स्माइल। ये देख सकते हैं नीचे से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और ये जेंट्स वाला इलाका और ये लेडीज वाला इलाका। आपको बता दूँ कि हमारे फिर से कि मर्द और औरतें जब भी खेल पड़ेगी अलग अलग साइड में खड़े होंगे। इतनी देर की जरूरत फ्रेंड, अब नीचे से देखेंगे आप। लगातार ये देख सकते हैं सौ में शुरुआत एंट्री हो चुकी है। ये हमारे देव नारायण जी का सबसे पहले तो हम सिर झुका के और दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। ये देख सकते हैं काली वाले देवड़ू जिसे हम बोलते हैं, और ये ध्रुव छाणक दी जा रही है। हम तो ध्रुव छाणक बोलते हैं जो कि पवित्रता कह सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आगमन होते ही काली के साथ शुरुआत की जा रही है देवड़ू की। तो ये देख सकते हैं काली देख के आ रहे हैं। जो भी भाई लोग ब्लॉग के तौर पर हमें देख रहे हैं उन सभी को देवता का आशीर्वाद हो, ये हम दिल से कामना करते हैं। ये देख सकते हैं देवड़ू सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। ये पूरा का पूरा कुछ इस तरह से है, देवड़ू काली मलैया पहुंच चुकी है। ये पूरी बंद के हैं
संख्या में यहाँ पर तो ये देखेंगे आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं। पूरी नहीं होगी और ये मशीन के भी देख सकते हैं कुछ इस तरह के बाजे होते हैं और ढोल बड़ों का भी आगमन शुरू हो चुका है और झांझा बड़ों का। बाजा सुमिया बहुत ही आकर्षक देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको। ये पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर खेल होगी ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, इसे कह सकते हैं आप कि बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं या अखरोट का पेड़ है और इसके नीचे बैठे हुए हैं। ये बाजा सुनेंगे आप तो अलग धुन से बजेगा क्योंकि अभी देव खेल खत्म होगी है तो अभी गुरुओं का शुरुआत होगी तो अभी बाजा की अलग धुन सुनेंगे आप। जनसंख्या ऊपर तक देख सकते हैं आप, सभी बैठे हुए हैं और फोन निकाल के हर कोई कैप्चर करना चाहता है इस दृश्य को तो देख सकते हैं। ये मैंने कहा था ना कि लेडीज एक साइड होगी और जेंट्स एक साइड होंगे तो देख सकते हैं लेडीज एक साइड बैठी हुई है और मर्द एक साइड बैठे हुए हैं तो ये सामने खेल चली हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है, देखना चाहेंगे एक बार।
ये देख सकते हैं आप, ये हमारी परंपरा है, ये भी देव आया है, ऐसा मान्यता है हमारे यहाँ। ऐसा ही दिखाई देगा आपको। तो यहीं पर यह घाट जो है ताजो सामान चढ़ाना है वो यहीं पर ही चढ़ाया जाएगा। देख सकते हैं अब तक कुछ भी नहीं चढ़ाया गया था। तो ये नीचे से देव आ गए ऊपर सामान रखने के लिए। ये काली नृसिंह जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी जाएगी अब। और खेल समाप्त हो चुकी है, अभी जो भी चढ़ावा चढ़ाना है वो चढ़ाया जाएगा। जिसकी भी मन्नतें हैं जैसे कि धाम धूमल गाना है, ये यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी मन्नतें पूरी हुई उन्होंने धाम लगाई हुई है। यहाँ पर छोले भटूरे खिलाए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, तो काफ़ी मान्यता है। Yeah.
आप देख सकते हैं आप जो कि यहाँ पर प्रसाद वगैरह होता है जो भी चरवा होता है उसे दिया जाएगा। सभी को नीचे बैठा दिया गया है ताकि सभी को बराबर तौर पर मिले प्रसाद के तौर पर। ये ऊपर तक मंदिर को देख सकते हैं आप, लाइटें कुछ इस तरह से लगी हुई है कि चमक रही है जैसे कहते हैं चमक रही। और ये नीचे का बेड देख सकते हैं सभी को एडजस्ट करके बैठाया गया है और यहाँ गाने बजाने वाले वीडियो अच्छी लगी है तो और लोगों को भी सेंड करें ताकि सभी देख सकें। इस साल का जो गायिका हुआ है जयदेव नारायण का, तो थैंक यू फ्रेंड्स।